अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिविक्स का जो चैप्टर है, लास्ट 8 चैप्टर, मार्केट्स अराउंड अस। ठीक है, इसमें बच्चों हम देखिए मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो मार्केट होती है वो क्या होती है एंड व्हाट डज इट मींस। ठीक है, तो मार्केट का क्या मतलब होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे कि आप मार्केट बच्चों सब जाते हैं, है ना, तो यू नो वेरी वेल दैट व्हाट डज इट मींस। एंड व्हेन एवर वी गो टू मार्केट, वी वॉन्ट टू सेल समथिंग और वी वॉन्ट टू परचेज समथिंग, है ना, दैट्स कॉल्ड अ मार्केट। तो देखिए, द मीनिंग ऑफ मार्केट इज बायर एंड सेलर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बच्चों देखिए, डायरेक्टली व्हाट डज इट मीन्स डायरेक्टली, कि आप जब मार्केट जाते हैं और कोई चीज आप परचेज करते हैं, ठीक है, मीन्स टू से कि आप मार्केट में जा रहे हैं और जो सेलर्स है उनसे बोलते हैं भैया ये कितने की है, तो वो आपको बताते हैं, और आप सामने से जो डायरेक्टली चीज़ें लेके आते हैं वो क्या होती है, डायरेक्टली परचेजिंग करना। अब देखिए, इनडायरेक्टली परचेजिंग क्या होती है कि जब भी आप वहाँ पे जाते हैं, मार्केट में नहीं जाते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना, कि आपने बहुत सारी ऐप चली हुई है ऑनलाइन, बहुत सारी शॉपिंग जो है हम कर सकते हैं घर बैठे। तो जैसे बहुत सारी ऐप है, मीशो है, या फिर आप जो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, तो बहुत सारी हैं, तो उससे आप घर बैठे जो मार्केटिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ इनडायरेक्टली मार्केट। ठीक है, इनडायरेक्टली टू सेल एंड बाय गुड्स इज डिस्क्राइब एज मार्केट, डिस्क्राइब कर सकते हैं आप मार्केट के तौर पे। ठीक है, तो जहाँ पे जो बायर्स, जो खरीदने वाले हैं, और सेलर्स मीन्स जो बेचने वाले हैं, ठीक है, सेलर्स जो होते हैं, कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, लेकिन दोनों का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, अपनी जो जो भी उनका प्रोडक्ट है, दे वॉन्ट टू जस्ट बाय, जो वो होते हैं सेलर्स होते हैं, और जो बायर्स होते हैं दे वॉन्ट टू बाय इट, है ना, सेलर्स जो होते हैं वो सेल करते हैं एंड बायर्स जो होते हैं वो उस चीज़ को खरीदते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट। अब देखिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट जो है इसका मतलब क्या होता है, कि जो फर्स्ट है एरिया वाइज हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट है टाइम एलिमेंट, है ना, थर्ड है आपका कॉम्पिटिशन के लेवल पर, अगर हम उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए, एरिया वाइज कैसे है, फर्स्ट है लोकल मार्केट, आपकी लोकल मार्केट होती है, जैसे कि आपकी घर के पास कोई भी मार्केट है तो आप उसमें जाते हैं, और मतलब पास की शॉप से आप कोई भी चीज़ खरीद के ले आते हैं, है ना। अब है दूसरा है रीजनल मार्केट, कि एक क्षेत्र की एक अलग मार्केट होती है ना, कि आप वहाँ जाते हैं भाई उत्तराखंड में हैं, या कहीं आप स्पेशली आप मार्केट जाते हैं उस चीज़ के लिए, तो वो रीजनल मार्केट हो गई। नेक्स्ट हो गया नेशनल मार्केट, नेशनल लेवल पे जो होती है। नेक्स्ट होती है इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो मार्केट होती है। नेक्स्ट है देखिए टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, बहुत थोड़े टाइम के लिए जो होती है वो होती है। नेक्स्ट होती है शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, कुछ होती है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है, कि काफ़ी टाइम तक वो मार्केट हमेशा वहीं लगती है, आप सालों बाद भी जाएं तो भी। एक होती है वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब हमेशा के लिए परमानेंट जो मार्केट होती है वो बहुत लंबे समय तक वहीं पर रहती है। नेक्स्ट है देखिए कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन हर फील्ड में होता है और मार्केटिंग फील्ड में तो बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है, मोनोपोली जो कंपटीशन है, और क्या है आपका ऑजी, ऑजी कंपटीशन, ठीक है। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्म क्या होता है, उसका रूप क्या होता है। मार्केट सिंपली मींस ऑल दोज बायर्स, मार्केट का जो मतलब होता है वो सिंपली ये मतलब होता है कि वो सब बायर्स, जो कि जो सब वो खरीदते हैं, एंड सेलर्स, और जो बेचने वाले हैं, ऑफ गुड एंड सर्विस, जो चीज़ें होती हैं, हु इन्फ्लुएंस द
प्राइस जो कि उस प्राइस को प्रभावित करती हैं, मतलब जो भी मार्केट में जो सिंपली मीन्स यही होता है कि जो बायर्स और जो सेलर्स को जो चीज़ें होती हैं उसको सिंपली प्रभावित करती हैं। अब देखिए इसमें एलिमेंट क्या होते हैं, है ना, इसके तत्व क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है बायर्स एंड सेलर्स, इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, खरीदने वाले और बेचने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है अ प्रोडक्ट और सर्विस, जो प्रोडक्ट है आपका कैसा है और उसकी सर्विसिंग जो है वो कैसी है। नेक्स्ट है देखिए बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मतलब क्या होता है ये आप सबको पता होगा। जैसे सपोज दैट यू आर जस्ट गोइंग इन अ मार्केट विद योर मदर और योर फ्रेंड्स, तो कोई भी चीज़ है अगर वो जो बोलते हैं आपको कि ये भाई 100 रुपये की है और आप उसको बोलें कि नहीं भाई हमें इजी 50 रुपये में दीजिए, तो ये क्या होती है बार्गेनिंग, कि आप उस चीज़ में बार्गेन करके उस चीज़ को कम उसमें करवा सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए कि मार्केट की जो कंडीशन है वो कैसी है, ठीक है, तो नॉलेज होनी चाहिए आपको इस चीज़ की जब भी आप मार्केट में जा रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन देखिए क्या होता है कि जो फीचर्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, इसके कि एक जो होता है ना बहुत बड़े लेवल पे बायर और जो सेलर्स हैं वो होने चाहिए, उनका यूनिफॉर्म प्राइस होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर एक जैसी मार्केट एक जगह लगी होती है सपोज दैट, तो उनका जो प्राइस होता है बेचने का वो इक्वल होना चाहिए। कोई अगर 10 रुपये में बेच रहा है उस चीज़ को और कोई उसको 50 रुपये में बेच रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर उनका जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो जो 10 रुपये में बेच रहा है सब जो बायर्स हैं वो वहीं जाएंगे, है ना। तो इसीलिए यूनिफॉर्म जो होता है प्राइस का वो होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट, कि वो प्राइस भी जो आप क्वालिटी दे रहे हैं वो भी सेम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म्स, जो भी वहाँ पे एंट्री होती है वो फ्री में ही होती है, ऑब्वियस ही बात है ना, और एग्जिट भी होता है वो भी आपका फ्री में ही होता है। तो परफेक्ट नॉलेज, उस चीज़ की आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए आज हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ मार्केट एंड उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो इसको मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है आपको मार्केट के लिए, कि आप एक्चुअली अच्छे से समझ पाएँ कि मार्केट होता क्या है और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट पढ़ेंगे एंड बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको जो मार्केट की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको खुद से लिखनी है, ठीक है, 10 लाइन्स आपको इसके बारे में लिखनी है कि एक्चुअली में जो मार्केट की जो इम्पोर्टेंस है आपके लिए क्या है, अगर मार्केट नहीं होगी तो आपको किन किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा अगर आपके पास में मार्केट नहीं होगी तो, ठीक है बच्चों। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर स्टूडेंट्स।